रोजी रास्कल और टाइगर रोज क्लब में रोजी रास्कल के जाती ऑफिस में बैठे हुए थे। टाइगर उसे अपनी कार में राना हाउस से यहाँ छोड़ने आया था कि रोजी रास्कल के इसरार पर वो उसके दफ्तर में बैठकर जूस पीने के लिए आ गया था। रोजी रास्कल ने फोन पर 2 गिलास जूस लाने का हुक्म दे गया था। ये तुम्हारा उस्ताद इंतहाई खतरनाक आदमी है। वो शक्ल से तो मासूम सा आदमी लगता है, लेकिन वो तो पूरा भेड़िया है, खौंखार भेड़िया। रोजी रास्कल ने रिसीवर रख कर टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो टाइगर पे इख्तियार हंस पड़ा। उसने तो तुम्हारा बहुत लिहाज किया है, लेकिन तुमने भी तो नखरा करना शुरू कर दिया था, और अब भी उसने तुम्हारा लिहाज किया है, वरना वो तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा उधेड़ कर रख देता। टाइगर ने हंसते हुए कहा तो रोजी रास्कल ने बे इख्तियार एक जर्जरी सी ली। मुझे तो अब उसके तसव्वुर से ही खौफ आने लगा है। मैं आज तक किसी से ऐसे खौफजदा नहीं हुई। बड़े बड़े लड़ाकों के साथ मैंने फाइट की है, लेकिन तुम्हारे उस्ताद ने मुझे खौफजदा कर दिया है। खुदा की पनाह, उसने जब मेरी गर्दन पर पैर रखा तो मुझे इस कदर खौफनाक तकलीफ हुई कि शायद मौत भी इतनी तकलीफ देना होगी। इसके अलावा उसके जिस्म में न जाने कितनी ताकत है कि उसने मेरी गर्दन पकड़कर और फिजा में कलाबाजी खिलाकर फर्श पर पटक दिया, और न जाने क्या जादू किया कि मेरा जिस्म मफजूज हो गया। ये आखिर करता क्या है, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बे इख्तियार हंस पड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी गर्दन को इस अंदाज में मसल दिया था कि तुम्हारे असाब मफलूज हो गए। वैसे वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इंतहाई खुश मिजाज और इंतहाई पुरखलूस, टाइगर ने कहा। हाँ, अगर मैंने उसका ये रूप ना देखा होता तो मैं भी यही समझती। बहरहाल अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम आखिर उसे उस्ताद क्यों कहते हो, रोजी रास्कल ने तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में जूस के 2 गिलास रखे हुए थे। उस आदमी ने मुअद्दबाना अंदाज में एक एक गिलास टाइगर और रोजी रास्कल के सामने रखा और ट्रे उठाकर वापस चला गया। लो पियो, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर ने अस्पात में सर हिला दिया। क्या तुमने वाकई शराब पीना छोड़ दी है, टाइगर ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा। हाँ, और अभी तक मैं अपने ऐद पर कायम हूं। गो कभी कभी शराब पीने को बहुत दिल चाहता है, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है कि जो फैसला कर दिया बस कर दिया, उस पर हर सूरत में कायम रहती हूं, और तुम देख लेना कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगी, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमने बहुत अच्छा किया है रोजी, टाइगर ने जूस सिप करते हुए कहा। अच्छा टाइगर, ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है, सिर्फ तुम्हारी खातिर, और रोजी रास्कल ने कहा। अब मेरी भी एक बात सुन लो और उसे जहन में बिठा लो। तुमने इस केस में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने आप को इस बात की ऐल साबित कर दिया है कि तुमसे दोस्ती हो सकती है, लेकिन कभी शादी की बात जबान पर न ले आना, वरना ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा तो रोजी रास्कल पे इख्तियार हंस पड़ी। फिलहाल मेरा अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब मैंने फैसला कर लिया तो फिर देखना कि क्या होता है, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। लेकिन फिर इससे पहले कि टाइगर उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक दरवाजा खुला और उसके साथ ही एक धमाका हुआ, और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर अचानक किसी ने स्याह पर्दा तान दिया हो। उसके एहसास एक लम्हे के 1000वें हिस्से में फना हो गए थे।
फिर जब उसके तारीख जहन में रोशनी के धमाके हुए और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में फैली तो उसकी आंखें खुल गईं और उसी लम्हे बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म के मंजर की तरह उसके जहन में नमूदार हुआ और वो बेख्तियार चौंक पड़ा। पूरी तरह शऊर में आते ही वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका आधा जिस्म कमरे के फर्श में जकड़ा हुआ था जबकि ऊपर वाला आधा जिस्म फर्श से बाहर था और उसके दोनों हाथ भी उसके अकब में करके बांध दिए गए थे। उसने नजरें घुमाई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर एक बार चौंक पड़ा कि उसके साथ रोजी रास्कल भी उसी अंदाज में आधी फर्श में गड़ी हुई मौजूद थी। एक आदमी ने झुककर एक हाथ से उसके सर के बाल पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में मौजूद नीले रंग की शीशी उसने उसके नाक से लगाई हुई थी। फिर उसने हाथ हटाया और रोजली के बाल छोड़कर उसने शीशी बंद की और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रोजी रास्कल का जिस्म चंद लम्हे लहराता रहा, फिर उसकी आंखें खुल गईं और उसके मुंह से बेख्तियार करा निकल गई, ये हम किसकी कैद में हैं? टाइगर ने उस नौजवान से पूछा जो खामोश खड़ा उन्हें देख रहा था। बॉस की कैद में, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। बॉस कौन है? टाइगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नौजवान ने जवाब दिया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे से बाहर जा चुका था। ये हम कहाँ हैं? ये क्या कर दिया है इन्होंने? रोजी रास्कल की इंतहाई हैरत और परेशानी से पुर आवाज सुनाई दी, लेकिन उससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक मकामी आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी कनपट्टी के बाल सफेद थे, वैसे वो हर लिहाज से नौजवान नजर आ रहा था। तुम्हें होश आ गया टाइगर और रोजी रास्कल? उस आदमी ने करीब आकर खड़े होकर उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो बुजदिल चूहे? टाइगर के बोलने से पहले रोजी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अभी तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, घबराओ नहीं, उस आदमी ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर खुला और एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक हाथ में फोल्डिंग कुर्सी और दूसरे हाथ में हंटर पकड़ा हुआ था। ओह ओह, चेहरम, तुम और यहां? रोजी रास्कल ने उस पहलवान नुमा आदमी को देखकर चौंकते हुए कहा। ये तुम्हारा आदमी था लेकिन अब हमारा आदमी है और इसकी का वजह से हम तुम्हें और इस टाइगर को रोज क्लब से उठाकर यहां ले आने में कामयाब हुए हैं और अब चेरम तुम पर कोड़े बरसाएगा और उस वक्त तक बरसाएगा जब तक तुम्हारी रूहें तुम्हारे जिस्मों का साथ नहीं छोड़ देती और तुम्हारे मरने के बाद चेरम रोज क्लब का मालिक होगा। उस आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर बड़े तंजिया लहजे में कहा। ये कुत्ता मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर? रोजी रास्कल पर, जिसकी छोड़ी हुई रोटियां अब तक ये खाता रहा है? मैं इसका खून पी जाऊंगी, रोजी रास्कल ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। बॉस, मुझे इजाजत दो ताकि मैं इस कुतिया की जबान बंद कर दूं, चेरम ने इंतहाई गुसीले लहजे में कहा। अभी ठहर जाओ, जबाने तो इनकी बंद होनी ही हैं, लेकिन मुझे जो कुछ मालूम करना है वो तो कर दूं। उस आदमी ने हाथ उठाकर चेरम को रोकते हुए कहा। तुम कौन हो? कम अज कम अपना तारुफ तो करा दो, टाइगर ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा।
तुमने बहरहाल मरना तो है, इसलिए अब तुमसे क्या छुपाना। मेरा असल नाम तो और है और मैं काफिरिस्तानी हूँ, लेकिन पाकेशिया में मेरा नाम एहसान है, मास्टर एहसान, और दारुल हुकूमत का सबसे मशहूर डान क्लब मेरी मलकियत है। मैं यहाँ काफिरिस्तानी एजेंटों का सरबराह हूँ। तुम दोनों ने जिस तरह काफिरिस्तान का इंतहाई अहम तरीन मनसूबा नाकाम किया है, उसकी सजा देने के लिए काफिरिस्तान के वजीर आजम साहब ने मुझे मुकरर किया है, और तुम दोनों की मौत के बाद तुम्हारे असल साथी अली इमरान को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन मरने से पहले तुम मुझे बताओगे कि तुमने आखिर इस मंसूबे का सुराग कैसे लगाया और किस तरह। ठाकुर और मार्शल तक तुम पहुंचे, मास्टर एहसान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस मंसूबे की बात कर रहे हो तुम, टाइगर ने कहा। बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस में पाकेशिया के सदर की हलाकत का मंसूबा, जिसे इस रोजी रास्कल और तुमने मिलकर आखिरी लम्हात में नाकाम बनाया है, जबकि हमें उसकी कामयाबी का 100% यकीन था, मास्टर एहसान ने कहा। ये कारनामा मैंने सर अंजाम दिया है, मैंने, रोजी रास्कल ने, और अब तुम्हारा और इस कुत्ते का अंजाम भी मेरे हाथों होगा, रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा। किस तरह तुमने ठाकुर और मार्शल का सुराग लगाया और किस तरह तुमने मार्शल के असल रेज पिस्टल को खिलौना पिस्टल में तब्दील किया, मास्टर एहसान ने रोजी रास्कल की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये मेरा पेशावराना सीक्रेट है। ये बात तो मैंने टाइगर और अली इमरान को भी नहीं बताई, हालांकि उन्होंने भी ये बात पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, रोजी रास्कल ने कहा। लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा, मास्टर एहसान ने घुराते हुए कहा। तुम में हिम्मत है तो पूछ लो, लेकिन ये बता दूं कि तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा, रोजी रास्कल ने बेखौफ लहजे में कहा। चेरम, इसकी जबान खुलवाओ, मास्टर एहसान ने चेरम से कहा। अभी लो मास्टर, अभी ये कुतिया सब कुछ उगल देगी, चेरम ने आगे बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ, खामखा के तशद्दुद का कोई फायदा नहीं है, वो रोजी रास्कल ने इस बारे में वाकई कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है। मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि अब जब के मिशन खत्म हो चुका है, इसलिए इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, टाइगर ने कहा। तो मास्टर एहसान ने हाथ उठाकर चेरम को रोक दिया। चलो तुम बता दो, लेकिन झूठ बोलने की कोशिश ना करना, मास्टर एहसान ने कहा। रोजी रास्कल ने अपने आर्मी फायर सिंडिकेट के हेडक्वार्टर में दाखिल किए होंगे और मार्शल की निगरानी की होगी, साथ ही उसका फोन भी टेप किया गया होगा। इस तरह सारा मंसूबा सामने आ गया और ठाकुर के बारे में भी मालूम हुआ, तो रोजी रास्कल ने ठाकुर और उसके आदमियों पर हाथ डाल दिया, बाकी बातें उसने बता दी होंगी। जहां तक पिस्टल की तब्दीली का ताल्लुक है, तो मेरा आइडिया है कि ठाकुर ने यह पिस्टल रोजी रास्कल के आदमी के जरिए सर ऑस्टर के कमरे में भिजवाया होगा और रोजी रास्कल ने उसे रास्ते में ही बदल दिया होगा, टाइगर ने कहा। क्या टाइगर दुरुस्त कह रहा है रोजी रास्कल, मास्टर एहसान ने रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। पता नहीं कि उसे कैसे मालूम हो गया, बहरहाल मैं अपनी जबान से कुछ नहीं बताऊंगी, ये मेरी फितरत है कि मैं अपने पेशावराना राज किसी को नहीं बताती, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, टाइगर की बात बहरहाल दिल को लगती है, इसलिए यही हुआ होगा, तो तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मास्टर एहसान ने कहा, और उसके साथ ही उसने कोट की जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। उसके चेहरे पर अचानक सफाकी के तसरात ऊपर आए थे। हमें मारने से पहले तुम्हें ठाकुर और मार्शल को हलाक करने की कोशिश करनी चाहिए, मास्टर एहसान, हमें मारने से तुम्हें क्या फायदा हासिल होगा,
टाइगर ने कहा तो मास्टर एहसान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो भी हमारा टारगेट है, लेकिन वो सीक्रेट सर्विस की तहवील में है, इसलिए अभी हम खामोश हैं। जैसे ही वो सामने आए उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा, मास्टर एहसान ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारी रहनुमाई कर दूं जिससे तुम उन दोनों का खात्मा कर सको तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? टाइगर ने कहा। सॉरी, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, अलबत्ता इतना वादा कर सकता हूं कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा और तुम इस तरह फर्श में जकड़े हुए भूख प्यास से आज खुद मर जाओ, तुम मर जाओ, मास्टर एहसान ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, इस तरह हम कुछ देर और जिंदा रह जाएंगे और जिंदगी तक एक एक लम्हा कीमती होता है। तुम्हारे दोनों आदमी सीक्रेट सर्विस की तहवील में नहीं है बल्कि इमरान की जाती तहवील में है और इस वक्त रॉबर्ट रोड पर वाकई इमारत राना हाउस में कैद हैं। अगर तुम उन्हें हलाक कर सकते हो तो कर दो, वरना इमरान उनसे खुद पूछ-गुछ कर रहा है, फिर वो उन्हें सीक्रेट सर्विस की तहवील में दे देगा और उसके बाद तुम तो क्या किसी का हाथ भी उन तक ना पहुंच सकेगा, टाइगर ने जवाब दिया। राना हाउस वो आलीशान इमारत जो सिनेमा के सामने है, मास्टर एहसान ने चौंक कर कहा। हाँ, वही, वो इमरान के किसी जागीरदार दोस्त राना तैयबर अली संदूकी की मलकियत है जो मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर रहता है और ये इमारत इमरान की तहवील में है, टाइगर ने जवाब दिया। तो क्या इमरान भी वहां मौजूद होगा? मास्टर एहसान ने कहा। हाँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, फिर तो आसानी से हम इस पूरी इमारत को ही मिसाइलों से उड़ा देते हैं और इस तरह हमारे तीनों टारगेट बयकवक खत्म हो जाएंगे। ओके, मैंने तुम्हें जिंदगी बख्श दी, जब तक भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हो कर लो, और सुनो, चीखने चलाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि इस इमारत को खाली करके हम जा रहे हैं और तुम तय खाने में हो, चलो चेरम, मास्टर एहसान ने उठते हुए कहा। यस बॉस, चेरम ने कहा और मास्टर एहसान तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चेरम जहर भरी नजरों से रोजी रास्कल को देखता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर चला गया। तुमने ये सब कुछ क्यों बताया है उसे? क्या तुम बुजदिल हो? मौत तो आनी ही है, अगर आ जाती तो क्या होता? तुमने बुजदिली का मुजाहरा करके मुझे मायूस किया है, रोजी रास्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अब मैं तुम्हारी तरह अमकाना बहादुरी का मुजाहरा तो नहीं कर सकता, मुझे वक्त चाहिए था, वो मैंने ले लिया, अब हमने यहाँ से आजादी हासिल करनी है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो तुम्हारे उस्ताद को मार देंगे फिर, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि इमरान साहब की मौत इन जैसे थर्ड क्लास एजेंटों के हाथों नहीं लिखी गई होगी, बल्कि मैंने तो उन्हें राना हाउस का पता बताकर असल में उन्हें कब्रिस्तान का रास्ता बताया है, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल हैरत से टाइगर को देखने लगी। तुम्हें बेहद एतमाद है अपने उस्ताद पर? रोजी रास्कल ने पूछा। उस्ताद पर एतमाद ना किया जाए तो फिर अच्छा शागिर्द कैसे बना जा सकता है? लेकिन अभी तुम इस बात को छोड़ो, अभी तो हमने यहां से आजादी हासिल करनी है, टाइगर ने कहा। लेकिन कैसे? हम अगर हाथ आजाद कर लें तो भी हम फर्ज को कैसे तोड़ेंगे? रोजी रास्कल ने कहा। मुझे अपने निचले जिस्म की हालत से एहसास हो रहा है कि हमारा जिस्म फर्श में जकड़ा हुआ नहीं है, बल्कि नीचे कोई तंग सा तालाब है जिसमें हमारे जिस्म मौजूद हैं, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा निचला जिस्म हरकत कर सकता है। उसे अंदाजा होता है कि ये फर्श मस्नूई है और इसका ताल्लुक किसी सिस्टम से होगा। सिस्टम ऑफ होते ही ये फर्श हमसे दूर हट जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन असल बात सिस्टम की निशानदेही और उसको ऑफ करने की है, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने ऊपर वाले जिस्म को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। काफी पीछे झुकने के बाद उसने अपने दोनों बाजुओं को बंधी हुई सूरत में मोड़कर अपने सर के ऊपर से गुजार कर अपने चेहरे के सामने ले आया। वो उसके दोनों बाजू बुरी तरह मुड़ गए थे और उसके चेहरे पर तकलीफ के तसरात भी उभर आए थे, लेकिन उसे ये फायदा हो गया था कि कलाइयों में बंधी हुई रस्सी उसके दांतों के सामने आ गई थी और फिर रस्सी के एक लटकते हुए सिरे को टाइगर ने थोड़ी सी कोशिश से दांतों से पकड़ा और हाथों को ऊपर और सर को नीचे की तरफ झटके देने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद रस्सी खुल गई और टाइगर के हाथ आजाद हो गए।
ये तुमने किस तरह गांठ खोल ली है, बगैर रस्सी को काटे किस तरह ये हुआ? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा, मास्टर एहसान वाकई एजेंट है। एजेंट एक खास अंदाज में गांठ लगाते हैं और जब तक रस्सी के मखसूस सिरे को तलाश करके मखसूस अंदाज में ना खींचा जाए गांठ किसी तरह भी नहीं खुल सकती। लेकिन जो लोग इस गांठ की तकनीक जानते हों तो वो उसे इंतहाई आसानी से खोल लेते हैं। लाओ अपने जिस्म को दूसरी तरफ मोड़ो और अपने बाजू मेरी तरफ मोड़ो ताकि मैं तुम्हारे भी हाथ खोल दूं, टाइगर ने हंसते हुए कहा। असल बात तो इस फर्क से निकलना है, ये कैसे करोगे? रोजी रास्कल ने अपने जिस्म को टाइगर के मुकाबले मोड़ते हुए कहा। उसके बंधे हुए हाथ काफी करीब आ गए थे और टाइगर ने आसानी से उसकी कलाई पर बंधी हुई रस्सी को खोल दिया और दूसरे लम्हे रोजी रास्कल के हाथ आजाद हो गए। टाइगर ने अब मुठियां बेचकर अपने आगे दो साइडों पर मौजूद फर्श पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और दूसरे लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि फर्श की आवाज बता रही थी कि वो नीचे से खोखला है। इस तरह टाइगर का अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था। ये खुलेगा कैसे? रोजी रास्कल ने कहा। मेरा ख्याल है कि सामने दरवाजे के साथ जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है उसका सिस्टम इस बोर्ड के अंदर होगा, लेकिन वहां तक हाथ नहीं जा सकता, इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा, टाइगर ने कहा। और दूसरे लम्हे उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़ाए और साथ ही उसके जिस्म झुकता चला गया। उसने वो फोल्डिंग कुर्सी थोड़ी सी कोशिश से पकड़ ली जिस पर मास्टर एहसान बैठा हुआ था। उसने कुर्सी को खींचकर अपने करीब किया और उसे फोल्ड किया। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया और फिर पूरी कुव्वत से उसने कुर्सी को दीवार पर दे मारा। कुर्सी वाकई निशाने पर जा लगी और स्विच बोर्ड कुर्सी की जर्ब से टूट गया, लेकिन फर्श उसी तरह कायम रहा, जबकि कुर्सी भी धमाके से गिर गई। लेकिन अब वो उसके हाथों से काफी फासले पर थी, इसलिए वो उसे दोबारा ना उठा सकता था। अरे एक मिनट, मेरा ख्याल है कि मैं इस फर्श की गिरफ्त से आजाद हो सकती हूँ, अचानक रोजी रास्कल ने चीखते हुए कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। वो कैसे? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। देखो मैं कोशिश करती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा और उसके साथ ही उसने आगे की तरफ झुककर अपने दोनों हाथ फर्श पर रखकर उन्हें दबाया तो उसके मुंह से मुसर्रत भरी आवाज सुनाई दी और फिर टाइगर ये देखकर हैरान रह गया कि अचानक खटाक खटाक की आवाज के साथ ही दोनों साइडों पर फर्श तेजी से दीवारों की सिमटता चला गया और रोजी रास्कल उछलकर सामने मौजूद फर्श पर खड़ी हो गई। टाइगर का जिस्म भी साथ ही आजाद हो चुका था, इसलिए टाइगर भी उछलकर फर्श से बाहर आ गया। उसी लम्हे खटाक खटाक की आवाज दोबारा उभरी और उसके साथ ही दीवारों की तरफ सिमटता हुआ फर्श एक दूसरे के साथ बराबर हो गया। यूं लगता था जैसे फर्श के दरमियान मामूली सरकना भी ना हो। टाइगर के चेहरे पर हैरत के तस्वीरात ऊपर आए थे, क्योंकि उसे वाकई ये बात समझ ना आई थी कि आखिर वो किस तरह फर्श की गिरफ्त से आजाद हो गए हैं। क्या क्या है तुमने, क्या कोई खास तरकीब इस्तेमाल की है? टाइगर ने हैरान होते हुए कहा। इसका सिस्टम यहाँ सामने मौजूद है, मैंने अचानक महसूस किया कि सामने फर्श का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर को उभरा हुआ है जो आम नजरों से महसूस नहीं होता, लेकिन अचानक मुझे उसका एहसास हो गया और मुझे यकीन हो गया कि इस हिस्से को अगर दबाया जाए तो फर्श खुल सकता है, और वो ही हुआ, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो मेरे सामने भी ऐसा बार होगा, टाइगर ने कहा और झुककर फर्श को देखने लगा। ओह हाँ, यहाँ भी है, बल्कि ये तो पूरी कतार है। इसका मतलब है कि यहाँ काफी खाने बने हुए हैं। अच्छा तरीका है आदमी को बेबस करने का, टाइगर ने एक जगह पर पैर रखकर दबाते हुए कहा तो खटाक की आवाज के साथ एक बार फिर फर्श साइडों में सिमटकर दीवारों में गायब हो गया। टाइगर ने पैर हटाया लेकिन फर्श बराबर ना हुआ, लेकिन चंद लम्हों बाद खुद बखुद खटाक की आवाजें उभरी और फर्श एक बार फिर बराबर हो गया। अगर ये सिस्टम है तो मास्टर एहसान की हमाकत की है कि हमें इस तरह छोड़कर चला गया है, टाइगर ने वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसे क्या मालूम था कि ये सिस्टम रोजी रास्कल को मालूम हो जाएगा। रोजी रास्कल ने फाखराना लहजे में कहा,
तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन अभी वो दरवाजे तक ना पहुंचे थे कि अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और मास्टर एहसान और चैरम बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुए। अरे तुम आजाद हो गए हो, मास्टर एहसान के मुंह से बेइख्तियार निकला। और फिर उसने जेब में हाथ डालने की कोशिश की ही थी कि यकलक टाइगर भूखे उकाब की तरफ उस पर टूट पड़ा, जबकि दूसरी तरफ चैरम ने हाथ में पकड़े हुए हंटर को घुमाकर रोजी रास्कल को मारने की कोशिश की, तो रोजी रास्कल ने यकलक उस पर छलांग लगा दी। मास्टर एहसान खासा फुर्तीला था और मार्शल आर्ट का भी खासा माहिर था, इसलिए टाइगर ने पहले हमले में तो उसे नीचे गिरा लिया था, लेकिन जल्द ही वो संभल गया और दूसरे लम्हे वो इंतहाई फुर्ती से न सिर्फ उठ खड़ा हुआ बल्कि टाइगर उसे गिराकर तेजी से घूमता हुआ जैसे ही वापस मुड़ा मास्टर एहसान की लात हरकत में आई और टाइगर पहलू पर खौफनाक ज़र्ब खाकर हवा में उछलकर एक धमाके से नीचे गिरा ही था कि मास्टर एहसान तेजी से घूमा और उसी लम्हे उसके हाथ में मशीन पिस्टल की झलक टाइगर को नजर आई। टाइगर का जिस्म यकलक तेजी से फर्श पर फिसला और उसने मास्टर एहसान की दोनों पिंडलियों पर अपने पैरों की जर्ब लगा दी और मास्टर एहसान चीखता हुआ उछलकर आगे की तरफ झुकता ही था कि टाइगर का सर एक झटके से ऊपर उठा और पिंडलियों पर जर्ब खाकर आगे को झुका हुआ मास्टर एहसान चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक तरफ गिरा। इधर कमरा चैरम के हल्क से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा था। रोजी रास्कल भूखी शेरनी की तरह मुसलसल और पैदर पे उस पर हमले किए चली जा रही थी, लेकिन चूंकि चैरम जिस्मानी तौर पर खासा जानदार था इसलिए वो फरार होने की बजाय मुसलसल रोजी रास्कल से लड़ रहा था। मास्टर एहसान के नीचे गिरते ही टाइगर ने कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से मास्टर एहसान पर जा गिरा और कमरा मास्टर एहसान के हल्क से निकलने वाली भयानक चीख से गूंज उठा। मास्टर एहसान ने टांगों की मदद से टाइगर को उछालने की कोशिश की थी, लेकिन अब टाइगर पूरी तरह न सिर्फ संभल चुका था बल्कि अब उसने मास्टर एहसान को फौरी तौर पर हलाक करने का भी फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके जहन में ये खदशा उभरा था कि मास्टर एहसान के हाथ से निकलने वाला मशीन पिस्टल कहीं चैरम के हाथ न लग जाए, ये फिर मास्टर एहसान का कोई और साथी ना आ जाए। चुनांचे उसने बड़ी महारत से न सिर्फ अपने जिस्म को उछलने से बचाया बल्कि पूरी कुव्वत से सर की टक्कर मास्टर एहसान की नाक पर मारी और उसके साथ ही वो कलाबाजी खाकर मास्टर एहसान के सर के पीछे की तरफ फर्श पर खड़ा हो गया। मास्टर एहसान टक्कर खाकर बुरी तरह चीखा था, लेकिन उसने कलाबाजी खाकर टाइगर के सीने पर दोनों पैरों की जरब लगाने की कोशिश की थी और इस कोशिश की वजह से वो करास क्रैप जैसे खौफनाक दाव में फंस गया। जैसे ही उसकी टांगें उसके सर की तरफ बढ़ी टाइगर उस वक्त तक कलाबाजी खाकर खड़ा हो चुका था। टाइगर उसे कोई मोहलत दिए बगैर उसकी मुड़ी हुई टांगों पर पूरे जिस्म समेत गिरा और खटाक खटाक की आवाजों के साथ ही मास्टर एहसान के हल्क से पिंची पिंची सी चीख निकली और उसका जिस्म टाइगर के जिस्म के नीचे तड़पने लगा। खटाक खटाक की आवाजें सुनकर ही टाइगर समझ गया था कि मास्टर एहसान की रीढ़ की हड्डी के मोरे टूट चुके हैं, इसलिए वो बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हुआ और मास्टर एहसान की दोनों टांगें एक धमाके से वापस जा गिरी। मास्टर एहसान के चेहरा तकलीफ की शिद्दत से न सिर्फ बिगड़ चुका था बल्कि वो पसीने से भी शराबूर नजर आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसका जिस्म अब हरकत भी न कर सकता था। उसी लम्हे मशीन पिस्टल चलने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही चैरम के हल्क से कर्बनाक चीख निकली और वो एक खौफनाक धमाके से नीचे गिरा। टाइगर ने चौंक कर देखा तो रोजी रास्कल फर्श पर पहलू के बल पड़ी हुई थी। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था लेकिन उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तसरात भी नुमाया नजर आ रहे थे। उसके होंठ पिंचे हुए थे जबकि चैरम फर्श पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके जिस्म से खून के फुहारे उबल रहे थे। मम मैं उठ नहीं सकती, मुझे क्या हो गया है, रोजी रास्कल ने पुश्त के बल सीधे गिरे हुए तकलीफ भरे लहजे में कहा, तो टाइगर उसकी पोजीशन से ही समझ गया कि रोजी रास्कल की रीढ़ की हड्डी को जरब आ गई है। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने एक हाथ से रोजी रास्कल की गर्दन और दूसरे हाथ से उसकी टांग पकड़कर दोनों हाथों से उसे ऊपर को उठाया। जैसे ही ऊपर को उठाया और फिर एक मखसूस अंदाज में झटका देकर उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और रोजी रास्कल एक बार फिर चीखती हुई एक धमाके से फर्श पर जा गिरी। बस अब उठकर खड़ी हो जाओ, तुम अब ठीक हो, टाइगर ने कहा, तो रोजी रास्कल ने इस अंदाज में अपने जिस्म को हरकत दी जिसे उसे यकीन हो कि उसका जिस्म हरकत नहीं करेगा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से हैरत भरी आवाज निकली जब उसने अपने जिस्म को हरकत करते देखा और फिर उसका जिस्म तेजी से सिमटा और फिर वो उछलकर खड़ी हो गई। चैरम इस दौरान साकित हो चुका था जबकि मास्टर एहसान उसी तरह बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था, लेकिन बहरहाल था वो बेहोश।
मैं अलबत्ता उसका चेहरा तकलीफ की शिदत से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये इस जरम से लड़ते हुए मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा जिस्म सुस्त पड़ता जा रहा है। मैं नीचे गिर गई, लेकिन शुक्र है कि मेरा हाथ मशीन पिस्टल तक पहुंच गया। उस वक्त तक मेरे जिस्म में कुछ हरकत बाकी थी, इसलिए मैंने अपने ऊपर छलांग लगाते हुए इस जरम पर पैर खोल दिया और फिर मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर बेहिस्सो हो गया था। लेकिन तुमने क्या किया, मुझे कैसे ठीक किया, रोजी रास्कल ने तेज तेज लहजे में कहा। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी पर जरब लग गई थी, जिसे रीढ़ की हड्डी का एक मोरा मामूली सा टेढ़ा हो गया था। मैंने मखसूस अंदाज में उस मोरे को दोबारा एडजस्ट कर दिया और तुम ठीक हो गई। बहरहाल अब ये दोनों तो बेकार हो चुके हैं, हमें बाहर चेक करना होगा, टाइगर ने कहा। तुम यही ठहरो, मेरे पास मशीन पिस्टल है, मैं बाहर जाती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा और तेजी से दौड़ती हुई खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। जबकि टाइगर ने आगे बढ़कर झुककर एक हाथ से मास्टर एहसान का बाजू पकड़ा और फिर उसे घसीटकर वो दीवार के करीब ले गया और फिर उसने दूसरे हाथ से उसके दूसरे बाजू को पकड़ा और उसे उठाकर कमरे के कोने में इस तरह पहुंचा दिया कि बावजूद मफलूज जिस्म होने के कमरे की दोनों दीवारों के दरमियान फंस कर बैठा रह गया। उसी लम्हे रोजी रास्कल वापस आ गई। बाहर और कोई आदमी मौजूद नहीं है और ये जगह भी किसी वीरान इलाके में है। बाहर दूर दूर तक दरख्तों का जखीरा है, अलबत्ता सैन में एक नई कार खड़ी हुई है और यहाँ फोन भी है, रोजी रास्कल ने पूरी रिपोर्ट देते हुए कहा। इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं गए, बल्कि फोन करने के बाद वापस आ गए हैं। उसे भी फोन वाले कमरे में ले चलते हैं, मैंने इमरान साहब को फोन करना है, टाइगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने मफलूज मास्टर एहसान को एक झटके से खींचकर कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसे हुआ क्या है, ये है तो होश में लेकिन हरकत नहीं कर सकता, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी के कई मोरे तोड़ दिए हैं, टाइगर ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट हो, उसे जोड़ भी लेते हो और तोड़ भी देते हो, रोजी रास्कल ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। असल स्पेशलिस्ट इमरान साहब हैं, मैं तो उनका शागिर्द हूं, टाइगर ने जवाब दिया। ये दाव मुझे भी सिखाओ, रोजी रास्कल ने कहा। सिखाऊंगा, टाइगर ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार खुश हो गई। ये एक छोटी सी इमारत थी, एक कमरे में फोन भी मौजूद था और कुर्सियां भी। टाइगर ने मास्टर एहसान के बेहिसो हरकत जिस्म को एक कुर्सी पर डाला और खुद उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखो मास्टर एहसान, अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने हमारे कमरे से जाने के बाद क्या किया है और राना हाउस पर आपने आदमी भेजे हैं या नहीं, तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, वरना अगर मैं तुम्हें गोली ना भी मारूं तब भी तुम्हारी बाकी सारी उम्र इसी तरह बेहिसो हरकत पड़े गुजर जाएगी और तुम आसानी से समझ सकते हो कि ये जिंदगी कैसी होगी। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते ही मास्टर एहसान से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम मुझे वाकई ठीक कर दोगे, मास्टर एहसान ने रुक रुक कर कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे बोलने में भी रुकावट पेश आ रही हो। हाँ, और जो बात मैं कहता हूं वो करता भी हूं, टाइगर ने कहा। मैंने यहां से फोन करके अपने आदमियों को राना हाउस को घेरने का हुक्म दिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि वो एसवी मिसाइल भी साथ ले जाएं और वहां पहुंचकर मुझे ट्रांसमीटर पर इतला दें, फिर मैं खुद वहां पहुंचकर अपने सामने मिशन मुकम्मल कराऊंगा। इसलिए मैं और केरम इंतजार करते रहे और जब मेरे आदमियों ने इतला दी कि वो वहां पहुंच गए हैं तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हें जिंदा छोड़कर जाना हमाकत है, इसलिए तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए, चुनांचे मैं जाने से पहले तुम दोनों का खात्मा करने के लिए चेरम के साथ वहां गया था, लेकिन न जाने तुम किस तरह फ्लोरटाई से आजाद हो चुके थे, इसके बाद तुम्हें मालूम है, मास्टर एहसान ने जवाब देते हुए कहा। कितने आदमी तुम्हारे वहां गए हैं, टाइगर ने पूछा। 4 आदमी, हमने वहां मिसाइल ही तो फायर करने थे और क्या करना था, मास्टर एहसान ने जवाब दिया तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और कुर्सी से उठकर उसने एक तरफ रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस, रब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ, जोसेफ, इमरान साहब हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज सुनाई दी। क-
किस जंगल से बोल रहे हो? इमरान की चहकती हुई शगुफ्ता सी आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त वाकई किसी जंगलनुमा इलाके से ही बोल रहा हूँ बॉस, लेकिन अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि ये जंगल कहाँ है, टाइगर ने जवाब, और उसके साथ ही उसने रोजी रास्कल के रोज क्लब से अगवा होने से लेकर अब तक की सारी रोयदाद सुना दी। मास्टर एहसान के चारों आदमी इस वक्त ब्लैक रूम में मौजूद हैं। जोसेफ ने उन्हें चेक कर दिया था और मैं उनसे पूछ पूछ कर रहा था। उन्होंने भी मास्टर एहसान का ही नाम लिया है और उनके कहने के मुताबिक मास्टर एहसान को ये इत्तला मिली थी कि रोजी रास्कल इस इमारत में है, इसलिए वो उसे हलाक करने के लिए इस इमारत को मिसाइलों को उड़ा कर देना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे फोन से असल हालात का इल्म हुआ है। तुम ऐसा करो कि इस मास्टर एहसान को लेकर राना हाउस आ जाओ, ये काफ्रिस्तान का खास एजेंट है और यहाँ इसका पूरा ग्रुप होगा, इसलिए इससे तफसीली पूछ-गुछ जरूरी है, इमरान ने कहा। ठीक है बॉस, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ। चलो मास्टर एहसान, अब तुम्हें बॉस ठीक करेगा। तुम्हारे चारों आदमी पहले ही बॉस की कैद में पहुंच चुके हैं, टाइगर ने कहा। वो कैसे पकड़े गए? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। तुम हैरान हो रही थी कि मैंने राना हाउस के मुतल्लिक क्यों उसे बता दिया है, तो असल बात यही थी कि मैं एक तो वक्त चाहता था, दूसरा मुझे मालूम था कि राना हाउस पर हमला करके ये अपनी मौत को खुद दावत देंगे, टाइगर ने मास्टर एहसान को खींचकर कंधे पर उठाते हुए कहा। वो कैसे, वहाँ क्या है? रोजी रास्कल ने हैरान होकर कहा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वहाँ क्या है, लेकिन कुछ न कुछ है जरूर। अब देखो मास्टर एहसान के आदमी जाहिर है इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद होंगे, लेकिन वो वहाँ जाते ही पकड़े गए। अगर मास्टर एहसान भी वहाँ पहुंच जाता तो ये भी अब तक पकड़ा जा चुका होता, टाइगर ने कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ पढ़ते हुए कहा। तुम्हारा उस्ताद मुझे लम्हा लम्हा हैरान करता जा रहा है, मुझे तो अब ऐसे महसूस होने लगा है कि असल रास्कल तो वो है, मैं खामखा अपने नाम के साथ रास्कल लगाए फिरती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा, तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब रास्कल नहीं है, वो तो रास्कल्स के खिलाफ काम करते हैं, और क्योंकि तुम सिर्फ नाम की रास्कल हो इसलिए अभी तक जिंदा फिर रही हो, अगर उन्हें जरा भी एहसास हो जाता कि तुम वाकई रास्कल हो तो अब तक तुम न जाने कितनी गहरी कब्र में उतर चुकी होती, टाइगर ने कहा, तो रोजी रास्कल ने बेख्तियार चुरचुरी सी ली। अब तुम जो कुछ कहते हो मुझे उस पर यकीन आ जाता है, जबकि पहले मैं तुम्हारी बातों पर यकीन न करती थी, क्या तुम मुझे भी अपने उस्ताद की शागिर्दी में बिठा सकते हो? कार के करीब पहुंचते ही रोजी रास्कल ने कहा। उनकी शागिर्दी बड़े दिल गुर्दे का काम है रोजी रास्कल, तुम बस इस तरह ही रोजी रास्कल बनी रहो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, टाइगर ने कार का कभी दरवाजा खोलकर मास्टर एहसान को दोनों सीटों के दरमियान फोंसते हुए कहा। क्या मुझे भी राना हाउस जाना होगा? रोजी रास्कल ने कहा। नहीं, तुम अपने रोज क्लब जा सकती हो, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ड्रॉप कर दूंगा जहाँ से तुम टैक्सी पकड़ कर जा सकती हो, टाइगर ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे वो कार की चाबियां तो तुमने उसकी जेब से निकाली नहीं? टाइगर ने वापस बाहर निकलते हुए कहा और रोजी रास्कल सर हिलाती हुई साइड सीट पर बैठ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।